टूडे वी विर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विथ ट्रिकिंग मैथड एंड पाम मैथड मीन्स वी वि लर्न टेबल विथ टू मैथड्स यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मैथड दैट यू लाइक सो लेट स्टार्ट हाउ टू मेक टेबल सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है जीरो नेक्स्ट इज वन नेक्स्ट इज टू थ्री एंड फोर अपॉन के फॉर्म में आपको सबके नीचे डिनोमिनेटर क्या लेना है फोर 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 एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है यू हैव टू अप्लाई स्केयर रूट स्केयर रूट सबके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया स्केयर रूट अब फर्स्ट स्टेप में देखो ज़ीरो अपॉन फोर का स्केयर रूट इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट स्केयर रूट ऑफ ज़ीरो एंड स्केयर रूट ऑफ फोर ज़ीरो का अगर हम स्केयर रूट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू जीरो एंड फोर का आप स्केयर रूट करोगे स्केयर फोर का स्केयर रूट किसके इक्वल होता है टू इन टू टू दैट इज इक्वल्स टू टू मीन्स डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा टू जीरो अपॉन टू दैट इज इक्वल्स टू जीरो साइन थेटा की वैल्यू ज़ीरो डिग्री पे क्या होती है जीरो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं साइन थेटा को थर्टी डिग्री के लिए वन अपॉन फोर का अंडर रूट इट मीन्स वी कैन राइट डाउन अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट फोर अंडर रूट वन दैट इज इक्वल्स टू वन एंड अंडर रूट फोर मीन्स टू इट मीन वैल्यू इज़ वन बाय टू हेयर वी विल राइट आउ वन बाय टू नेक्स्ट अंडर रूट टू अपॉन फोर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं वन बाय टू इट मीन्स अंडर रूट वन बाय टू इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट टू इट मीन्स हेयर वैल्यू इज वन अपॉन अंडर रूट टू नेक्स्ट अंडर रूट थ्री बाय फोर वी विल राइट डाउन अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट फोर का किसके इक्वल है टू के इक्विलू इज अंडर रूट थ्री बाय टू नेक्स्ट इज अंडर रूट फोर बाय फोर फोर को फोर से हम लोग क्या कर देंगे कैंसल इट मीन्स आंसर इज़ वन मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ रही है थीटा जब ज़ीरो डिग्री है इट मीन्स योर आंसर जीरो नेक्स्ट थर्टी डिग्री पर वन बाई टू फोर्टी फाइव डिग्री वन अपॉन अंडर रूट टू सिक्सटी डिग्री अंडर रूट थ्री बाई टू एंड नाइन्टी डिग्री दैट इज़ इक्वल्स टू वन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है वन अपॉन कोसिक थीटा कुसिकंड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन साइन थीटा अब हम मूव करते हैं कुसिकेंड थीटा पर कुसिकेंड थीटा देखो दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो एंड अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है कुसिकन थीटा की तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर वन अपॉन ज़ीरो बिकॉज वन अपॉन साइन थेटा वन अपॉन जीरो दैट इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन इसको हम नॉट डिफाइन भी लिखते हैं एंड इन्फिनिटी भी लिखते हैं नेक्स्ट इज कुसिकन थेटा की वैल्यू थर्टी डिग्री के लिए वन अपॉन वन अपॉन वन बाय टू इसका रेसिप्रोकल करते हैं सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी टू इट मीन्स हेयर इज टू नेक्स्ट वन अपॉन अंडर रूट टू का रेसिप्रोकल करेंगे देन वी विल गेट ओनली अंडर रूट टू नेक्स्ट में अंडर रूट थ्री बाय टू का रेसिप्रोकल करोगे टू ऊपर चला जाएगा अंडर रूट थ्री नीचे आ जाएगा इट मीन्स टू अपॉन अंडर रूट थ्री नेक्स्ट इज वन का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है वन के इक्वल ही होता है वन इट मीन्स अगर आप वन वाला टेबल साइन थीटा का आपने टेबल सॉल्व कर लिया तो उसकी हेल्प से आपने किसको सॉल्व कर दिया नेक्स्ट इज कोसिक्ड थीटा अब देखो साइन थीटा की हेल्प लेके अब हम सॉल्व करेंगे कॉस थीटा को कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है जो पीछे वाली टर्म्स हैं वो आपकी आगे आ जाएंगी देखो सबसे एंड में क्या है वन तो उसको हम आगे लेके आएंगे वन नेक्स्ट इज़ अंडर रूट थ्री बाय टू यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट थ्री बाय टू नेक्स्ट ये वैल्यू सेम एज़ वन अपॉन अंडर रूट टू नेक्स्ट आगे वाली वैल्यूज कहाँ चली जाएंगी पीछे की तरफ इट मीन्स वन बाय टू एंड नेक्स्ट इज ये ज़ीरो क्या आ जाएगा पीछे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेन थीटा नेक्स्ट इज टेन थीटा टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा इसका अब हम पहले करते हैं प्रूफ हाउ ये इक्वल इसके होता कैसे है हाउ देखो टेन थीटा हम सबसे पहले टेबल हम लोगों ने लर्न किया था फर्स्ट लेक्चर में पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल इट मीन्स पी बाय एच किसकी वैल्यू होती है हमारे पास साइन थीटा नेक्स्ट है b अपॉन h b अपॉन h किसकी वैल्यू थी कॉस थीटा एंड p बाय बी ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास टेन थीटा इट मीन्स टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है p अपॉन b नेक्स्ट देखो साइन tan टेन थीटा टेन थीटा किसके इक्वल है साइन थीटा इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास p अपॉन h डिवाइडेड बाय नेक्स्ट इज कोस थीटा कोस थीटा किसके इक्वल है बी अपॉन एच नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पी अपॉन एच इसको ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू एच बाय बी इट मीन्स एच से एच कैंसल पी बाय बी एंड पी बाय की बी पी बाय बी किसके इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल मीन्स टेन थीटा किसके इक्वल है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अब देखो हमारे पास वैल्यू साइन थीटा की भी ऑल वैल्यूज है एंड कॉस थीटा की भी ऑल वैल्यूज है नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम टेन थीटा टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सबसे पहले हम टेन जीरो के लिए इसको सॉल्व करते हैं टेन जीरो डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री पे क्या है जीरो एंड कॉस थीटा की जीरो डिग्री पे क्या वैल्यू है वन इट मीन्स ज़ीरो अपॉन वन दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो इट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो नेक्स्ट इज सॉल्व करेंगे टेन किसके लिए थर्टी डिग्री के लिए थर्टी डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे साइन थीटा की वैल्यू वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई कॉस्टा कॉस् थीटा हमारे पास कितना है अंडर रूट थ्री बाई टू टू से टू कैंसल हेयर आंसर इज वन अपॉन अंडर रूट थ्री इट मीन्स हेयर इज वन अपॉन अंडर रूट थ्री नेक्स्ट इज वन अपॉन अंडर रूट टू एंड वन अपॉन अंडर रूट टू दोनों वैल्यूज क्या हैं सेम दे आर कैंसल आउट टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन अपॉन अंडर रूट टू एंड वन अपॉन अंडर रूट टू दे आर कैंसल आउट हेयर आंसर इज वन इट मीन्स हेयर आंसर इज वन नेक्स्ट इज थीटा को सॉल्व करेंगे फोर सिक्सटी डिग्री टेन सिक्सटी डिग्री अंडर रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू नेक्स्ट देखो टू से टू हमारा क्या हो जाएगा कैंसल इट मीन्स हेयर आंसर इज अंडर रूट थ्री बाय वन अंडर रूट थ्री बाय वन किसके इक्वल होते हैं अंडर रूट थ्री हेयर वैल्यू इज अंडर रूट थ्री नेक्स्ट इज वन बाय ज़ीरो वन बाय ज़ीरो को हम क्या लिखते हैं नॉट डिफाइन नेक्स्ट देखो सिकंड थीटा सिकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास कॉस थीटा का नेक्स्ट इज कॉस थीटा कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकोल होता है हमारे पास वन अपॉन सीकेंड थीटा इट मीन्स सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकुल हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा नेक्स्ट देखो सिकेंड थीटा के लिए जीरो डिग्री के लिए वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा जीरो डिग्री पे क्या है हमारे पास वन इट मीन्स रेसीप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन वन आंसर इज वन इट मीन्स हेयर आंसर इज वन नेक्स्ट अंडर रूट थ्री बाय टू का रेसीप्रोकल टू बाय अंडर रूट थ्री नेक्स्ट इज वन बाय अंडर रूट टू का रेसीप्रोकल ओनली अंडर रूट टू नेक्स्ट इज वन बाय टू का रेसिप्रोकल ओनली टू नेक्स्ट इज जीरो का रेसिप्रोकल इट मीन्स वन बाय जीरो वन बाय जीरो एंड वन बाय ज़ीरो इज नॉट डिफाइन इट मीन्स हेयर वी विल राइट डाउन नॉट डिफाइन नेक्स्ट इज कॉट थीटा कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है टेन थीटा का वन अपॉन टेन थीटा इट मीन्स टेन थीठा से वैल्यू निकालेंगे वन अपॉन जीरो एंड वन अपॉन जीरो किसके इक्वल होता है दैट इज नॉट डिफाइन हेयर इज नॉट डिफाइन नेक्स्ट इज वन बाय अंडर रूट थ्री का रेसिप्रोकल ओनली अंडर रूट थ्री वन का रेसिप्रोकल वन एंड अंडर रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन अपॉन अंडर रूट थ्री एंड नॉट डिफाइन का रेसीप्रोकल नोट डिफाइन करते हैं हम वन अपॉन जीरो के लिए अगर इसका रेसीप्रोकल करेंगे इट मीन्स जीरो अपॉन वन एंड देट इज इक्वल्स टू ज़ीरो इट मीन्स हेयर इज ज़ीरो इट मीन्स अगर आपने साइन थीटा को सॉल्व कर लिया उसकी हेल्प से आप अदर रेश को क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो साइन थेटा का रेसिप्रोकल करना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कुसेकेंड थीटा की नेक्स्ट अगर आपके पास साइन थीटा है कॉस् थीटा को फाइंड करने के लिए आपको रेशोस क्या करने हैं पीछे वाले सारे रेशोस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे एंड आगे वाले रेशोस पीछे की तरफ आपके पास शिफ्ट हो रहे हैं नेक्स्ट टेन थीटा को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा फाइंड द टेन थीटा देन यू हैव टू डू ओनली रेसिप्रोकल एंड यू विल फाइंड कॉट ऑफ थीटा एंड कॉस थीटा दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड थीटा नेक्स्ट इज़ पाम मैथड पाम मैथड में हम लोग क्या कर देंगे वी हैव फाइव फिंगर्स तो इन आर थम एरिया वी विल राइट डाउन ज़ीरो डिग्री इट मीन्स जीरो डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट वी विल मूव थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट इज़ साइन थीटा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा एंड नेक्स्ट इज कॉस थीटा साइन थीटा के लिए हमें मूव करना है क्लॉकवाइज साइन थीटा के लिए हम मूव किस साइड करेंगे क्लॉकवाइज मींस लाइक दिस एंड कॉस थीटा के लिए हमें मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज मींस हम कैसे काउंट करेंगे दिस साइड फर्स्ट देखो साइन थीटा साइन थीटा सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जीरो डिग्री के लिए साइन थीटा जीरो डिग्री के लिए साइन साइंथेटा के लिए हमें मूव करना है इस डायरेक्शन में मीन्स क्लॉक वाइज अब देखो ज़ीरो के बाद आपकी कोई भी फिंगर है इस साइड पे? नो no. आपका थम के बाद कोई भी फिंगर नहीं होती हमारी इस साइड डायरेक्शन में इफ़ वी विल मूव टू क्लॉक वाइज इट मीन्स अगर कोई भी फिंगर नहीं है उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी ज़ीरो नीचे जैसे हमने फर्स्ट मैथड में किया था डिनोमिनेटर हमारा सबका सेम क्या रहता है फोर इट मीन्स हेयर वी विल राइट अन आल्सो फोर इट मीन्स जीरो अपॉन फोर का स्केयर रूट दैट इज इक्वल्स टू जीरो मीन्स साइन की ज़ीरो डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी हमारी जीरो एंड लास्ट इस टेबल में भी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था साइन थीटा जीरो डिग्री पे क्या रहता है ज़ीरो एंड अगर इसी फॉर्म में हम कॉस थीटा के लिए फाइंड करना है ज़ीरो देखो जीरो कहाँ है यहाँ पर तो आप इसको छोड़ दोगे जीरो को तो आपको क्या करना है जीरो को आप छोड़ दोगे एंड नेक्स्ट एंटी क्लॉक में आपको ये वाली फिंगर्स काउंट करनी है ये फिंगर्स कितनी है देखो वन फिंगर टू फिंगर थ्री फिंगर एंड फोर फिंगर इट मीन्स कॉस जीरो डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी फोर फिंगर्स एंड नीचे हमें क्या लिखना है फोर डिनोमिनेटर में एंड वी विल टेक हेयर स्केयर रूट फोर से फोर कैंसल आउट इट मीन्स हेयर इज़ वन अगर आप यहाँ पर भी चेक करोगे कॉस थीटा जीरो डिग्री पे आंसर इज़ वन एंड हमारा आंसर भी क्या आ रहा है यहाँ पर वन विथ पाम मैथड पाम मैथड के साथ आप इस फॉर्म में वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं थर्टी डिग्री के लिए नेक्स्ट देखो साइन थर्टी डिग्री के लिए थर्टी डिग्री हमारा कहाँ है यहाँ पर साइन थीटा के लिए हमें मूव किसकी फॉर्म में करना है क्लॉकवाइज अगर हम साइन थीटा को हाइट कर देते हैं ये देखो हाइट किया नेक्स्ट इज साइन थीटा में थर्टी डिग्री के बाद हमारे पास कितनी फिंगर आ रही है ओनली वन थम हमें शोध कर रहा है ओनली वन थम इट मीन्स वन वन एंड डिनोमिनेटर हमें ऑलवेज क्या लेना है फोर एंड स्केयर रूट वन बाय फोर को अगर हम सॉल्व करते हैं देन योर आंसर इज अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट फोर दैट इज इक्वल्स टू वन बाय टू एंड टेबल में मैच करके देखो साइन थीटा साइन थीटा थर्टी डिग्री पे क्या है हमारा वन बाय टू एंड हेयर इज ऑल्सो वन बाय टू नेक्स्ट कॉज थीटा थर्टी डिग्री के लिए डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें कॉस थेटा के लिए मूव किस साइड करना है दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज थर्टी रहा हमारा एंड नेक्स्ट फिंगर्स कितनी है हमारे पास वन टू थ्री फिंगर्स इट मीन्स थ्री हेयर वी विल राइट डाउन एंड फोर इज़ आर डिनोमिनेटर एंड हेयर वी विल अप्लाई स्केयर रूट इफ़ वी विल सॉल्व दिस देन वी विल गेट अंडर रूट थ्री एंड फोर का स्केयर रूट दैट इज इक्वल्स टू टू एंड मैच करते हैं कॉस थीटा थर्टी डिग्री पे कितना है अंडर रूट थ्री बाय टू सेम वैल्यूज नेक्स्ट इज साइन फोर्टी फाइव डिग्री अब हमें फोर्टी फाइव के लिए फाइंड करना है इट मीन्स नाउ वी विल हाइट फोर्टी फाइव डिग्री साइन थीटा साइन थीटा फोर्टी फाइव के लिए सॉल्व करना है तो इस डायरेक्शन में देखो कितने फिंगर्स हैं हमारे पास वन एंड टू इट मीन्स हेयर वी विल राइट डाउन टू nietzsche denominator always we will take 4 and here square root now we will solve it 1 and 2 means answer is under root 1 upon 2 we can write down 1 upon under root 2 1 upon under root 2 and here is also value 1 upon under root 2 sine theta 1 upon under root 2 सिमिलरली लाइक दिस कॉस फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव के लिए भी हमारे पास कितनी आ, कितनी फिंगर्स हैं यहाँ पर वन फिंगर एंड टू फिंगर इट मीन्स टू फिंगर्स नीचे डिनोमिनेटर फोर स्केयर रूट सॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है वन अपॉन अंडर रूट टू इट मीन्स बोथ केसेस में फोर्टी फाइव डिग्री पे आंसर इज वन अपॉन अंडर रूट टू एंड वन अपॉन अंडर रूट टू नेक्स्ट वी विल सॉल्व फॉर सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री को सॉल्व करना है इट मीन्स सिक्सटी डिग्री को हम हाइट कर देंगे नेक्स्ट साइन थीटा के लिए कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास लेफ्ट वन फिंगर टू फिंगर एंड थ्री फिंगर इट मीन्स थ्री फिंगर्स फोर डिनोमिनेटर अंडर रूट नेक्स्ट हेयर इज वैल्यू अंडर रूट थ्री बाय टू एंड इफ वी विल चेक साइन थीटा सिक्सटी डिग्री के लिए अंडर रूट थ्री बाय टू सेम वैल्यूज नेक्स्ट कॉस सिक्सटी डिग्री उसके लिए हम मूव करते हैं एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज में ओनली कितनी फिंगर लेफ्ट है हमारे पास सिक्सटी डिग्री के बाद ओनली वन फिंगर इट मीन्स हेयर इज वन एंड डिनोमिनेटर फोर स्केयर रूट इट मीन्स आंसर इज वन बाई टू एंड इफ वी विल चेक हेयर सिक्सटी डिग्री के लिए थीटा के कितना आंसर आ रहा है वन बाई टू दिस इज साइन नाइंटी डिग्री 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री को हम करते हैं अब हाइट साइन थीटा के लिए हमें मूव करना है क्लॉक वाइज कितनी फिंगर्स हैं वन फिंगर टू फिंगर थ्री फिंगर एंड फोर फिंगर फोर फिंगर्स अपॉन फोर डिनोमिनेटर अप्लाई हेयर स्केयर रूट फोर से फोर कैंसल आउट हेयर आंसर इज़ वन साइन नाइन्टी डिग्री के लिए वैल्यू देखो हमारी कितनी है नाइन्टी डिग्री पे आंसर इज़ वन एंड नेक्स्ट कॉस नाइन्टी डिग्री अब हम चेक करेंगे कॉस के लिए कॉस का 90 डिग्री यहाँ है और उसके बाद हमारे पास कोई भी फिंगर लेफ्ट नहीं कर रही यहाँ पर देखो नो फिंगर इट मीन्स ज़ीरो नीचे डिनोमिनेटर फोर अंडर रूट इट मीन्स आंसर इज ज़ीरो एंड हेयर इज ऑल्स एंड हेयर इज ऑल्सो आंसर ज़ीरो तो इट मीन्स पाम मैथड के साथ आप चाहे सॉल्व कर सकते हो इस टेबल को एंड विथ दिस ट्रिके मैथड यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस टेबल अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर लिया है इट मीन्स यू कैन आल्सो फाइंड द टेन थीटा टेन थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जो हमने लास्ट टेबल इसी फॉर्म में भी सॉल्व किया था इन दोनों को आप डिवाइड करते जाओ वैल्यूज को देन यू विल गेट टेन थीटा एंड नेक्स्ट को सीकेंड थीटा हमारे पास किसका रेसीप्रोकल था साइन थीटा का सेम एज़ आप इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट इज सिक्ड थीटा सिकेंड थीटा किसका रेसीप्रोकल होता है कॉस ऑफ थीटा तो आप ऑल वैल्यूज़ का रेसीप्रोकल कर दो यू विल फाइंड दीज वैल्यूज एंड नेक्स्ट इज कॉर्ट थीटा कॉट थीटा रेसीप्रोकल है टेन थीटा का तो टैन थीटा की ऑल वैल्यूज़ को आप रेसीप्रोकल कर दो एंड यू विल गेट यूर कॉर्ट थीटा I hope you understand now how to make table if you like my videos please share it with other students please don't forget to like and subscribe it thank you everyone